एक नदी है ठीक मोनास्ट्री के पीछे, तो वहाँ पे जाकर एकदम नहाने का मन कर रहा है। इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, पर यार अभी वो कर नहीं सकते, ऊपर से डेंगू वगैरह भी फैला हुआ है। तो एक और सुहाना दिन और एक और नया व्लॉग यार। तो यार फाइनली फैट टायर का व्लॉग आ जाने वाला है। एक्चुअली कल मैं देने वाला था, यानी कल सैटरडे था तो कल जाने वाला था फैट टायर लेके, पर कल कुछ कारण की वजह से जा नहीं पाया। तो आज फाइनली मैं जा रहा हूँ। तो मेरे साथ मेरे एक सब्सक्राइबर भाई भी है, तो ये बहुत दिन से मुझे फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब में, तो आज इसके साथ निकल रहा हूँ मैं। और यहाँ पे है हमारी साइकिल्स, तो यार चलो यार साइकिल वगैरह तो रेडी है। अभी फ़िलहाल हम लोग हमारे फाफरी के मेन रोड में, और यहाँ से अभी हम लोग जाने वाले हैं द ग्रेट ईवम मोनास्ट्री, जो कि सालुग्रा में यानी कि बंगाल सफारी के पीछे। तो यार अभी यहाँ से आई थिंक बंगाल सफारी ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर्स का दूरी पे है, और ग्रेट ईवम मोनास्ट्री आप समझ लीजिए ना ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर्स घर से, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 1.5 से 2 किलोमीटर कवर कर लिया है, 2 किलोमीटर ही आप पकड़ लो। और शायद आज अप डाउन ट्रिप जो है आज ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स का तो ट्रिप हो ही जाएगा। तो अभी वैसे 9:30 का राउंड हो रहा है और अभी हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद 12 बजे तक घर पहुँच जाएंगे। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। आज मैं अपना स्मार्ट वॉच ही लाना भूल गया, तो टाइम कैलकुलेट नहीं हो पाएगी, फरवरी में भूल गया। तो चलिए करते हैं इसी के साथ आज के ब्लॉग को स्टार्ट, और देखते हैं आज का राइड कैसा जाता है। तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। मैं एक काम करता हूँ, मैंने एक्चुअली ये माउंट लगाया हुआ है और खोल के दिखाता हूँ आपको, ये साइकिल में लगा देता हूँ एक्शन कैमरा के साथ। तो माउंट मैंने फिलहाल कुछ इस तरह से यहाँ पर अटैच किया है। यहाँ से तो आप लोग देख सकते हो साइड में मैप पे 9.9 किलोमीटर्स दिखा रहा है, वही यानी कि ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स। पर हम लोग एक्चुअली वो जो ब्लू वाला रास्ता है उसके बगल में जो आप एक ग्रे कलर का रास्ता देख सकते हो, हम लोग वहाँ से जाने वाले थोड़ा अंदर से, थोड़ा मतलब जंगल के बीच से, तो थोड़ा सही रहेगा राइड। जंगल इन द सेंस मतलब रास्ता ही है, आसपास जंगल है, सेफ है, वैसा कुछ मतलब प्रॉब्लम वाला बात होगा नहीं, तो थोड़ा अच्छा से आराम से हम लोग चलेंगे आज। और यहाँ से लगभग 5.6 किलोमीटर की दूरी में है ग्रेट ईवम मोनास्ट्री। तो चलते हैं, वैसे वो भाई आगे चला गया, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ आराम से। तो यार अभी 10:20 हो रहा है और अभी हम लोग पहुंचे हैं बंगाल सफारी के यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो। तब ये साइड में ये वॉल वगैरह बनाया जा रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे हल्की सी ढलान आप बोल सकते हो शायद, तो यहाँ पे उतना भी ज़्यादा ही यार मैं रखता हूँ नहीं, हो जाएगा शायद से, पर मैं ब्रेक पर दबा के रखा हुआ, पर ब्रेक उतनी अच्छे से काम नहीं कर रही है। हाँ हाँ हो जाएगा। चलो यार सही है, एक स्पीड ब्रेकर है यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली स्पीड ब्रेक हो गया। अरे वाह नाइस। यार बहुत भयंकर धूप है यार, और इतनी भयंकर धूप में मैं स्लीवलेस पहन के आ गया, सही में बहुत ही बुरा डिसीजन था। और बस अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं, थोड़ी ही और दूर में है यहाँ से। यार हर टाइम पहाड़ का एक बहुत ही क्लियर व्यू दिखता है, मोनास्ट्री सामने ही है और मोनास्ट्री के ठीक पीछे हिल्स। हो रही मोनास्ट्री,
तो व्यू के बारे में यार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि मतलब सोचा था मैंने, पर मैं भूल गया था एक्चुअली घर पे, मैं लॉक लाना भूल गया साइकिल का, यानी कि मैं एक चेन और लॉक से अपनी साइकिल को बांध के रखता हूँ, वो लाना ही भूल गया। अभी यार बाहर इस तरह से साइकिल रखना सेफ होगा कि नहीं वही सोच रहा हूँ। तो यार फैट टायर को तो मैंने यहाँ पे बिना लॉक के यहाँ पे बाहर पार्क कर दिया है, और चलते अभी अंदर। मेरा भी आ रहा है, देखें बेंगलोर से आ रहा है, डेढ़ का आ रहा है। क्या आ रहा है आपका? आईफोन? आईफोन नहीं, बस मजा मतलब वॉचमैन भैया की वजह से हम लोग निश्चिंत होकर बाहर साइकिल पार्क कर दी है, होपफुली कुछ होगा नहीं। और अभी यहाँ पे एक्चुअली आज संडे है, तो मोस्ट प्रॉब्ली उसी की वजह से शायद यहाँ पे मोनास्ट्री की साफ सफाई हो रही है, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो सब लोग यार यहाँ पे एकदम बहुत ही मेहनत से साफ सफाई में जुटे हुए हैं। तो अभी यार इतनी सुंदर मोनास्ट्री है, तो यार मेंटेनेंस करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यार ये हमेशा साफ रहती है। बहुत बार यहाँ पे आ चुका हूँ यार, जब ये बनी नहीं थी तब भी आता था यहाँ पे, ये पूरा खाली मैदान जब था सालों पहले पे, हम लोग पीछे आते थे यहाँ पे नदी में नहाने के लिए, और तब से लेके अभी तक तो यार जब से ये बनना स्टार्ट की है ये जगह को मैंने कभी गंदा देखा ही नहीं है। तो अभी थोड़ा सा शेड में आया यार, शांति मिल रही है। बाप रे इतनी भयंकर धूप है बाहर कि यार क्या बताऊँ। कैसा धूप है भाई? एक नंबर धूप है। तो भाई बोल रहे एकदम बाहर एक नंबर धूप है सही में, मतलब सर भारी होने लग गया। ऊपर से हम लोग साइकिल चला के आ रहे थे, तो ऊपर से और मेहनत भी लग रही थी, शायद बाइक वगैरह में आते हेलमेट वगैरह मतलब कुछ पता नहीं चलता, और ऊपर से तो मैं आज क्या जो दिमाग लगाया, मैं आज हाफ स्लीव्स पहन के निकल गया, तो मैं एकदम पूरा आज टैन हो जाने वाला हूँ, मुझे लग ही रहा है। वैसे अभी 10:45 बज रहा है, और यहाँ से अभी और 10-15 मिनट रुकेंगे यहाँ पे, और उसके बाद निकलेंगे घर, डायरेक्टली घर चले जाएंगे, और इसी के साथ करेंगे आज के दिन को स्टार्ट। तो यार आज तो संडे ही है, तो ये ब्लॉग अभी यहाँ पे साइकिल का ब्लॉग वगैरह बना के मैं घर जाके नहा के सो जाऊँगा बिंदास। आज आराम करेंगे, और हो सकता है रात को या फिर शाम को निकले दोस्त लोग के साथ, तो शाम के टाइम में ही देखा जाएगा, अभी तो फिलहाल मोनास्ट्री में। काश यार आज इतनी धूप नहीं होती, अगर आज सही में इतनी धूप नहीं होती ना आज का ट्रिप और ज़्यादा अच्छा हो जाता और मज़ा आता, पर यार सही में धूप में यार साइकिल चलाने में थोड़ा स्ट्रगल है, बहुत भयंकर स्ट्रगल है। तब जस्ट बिकॉज विंटर्स का टाइम आ रहा है, तब अभी विंटर्स में साइकिल ज़्यादा निकालना पड़ेगा, तब बॉडी गर्म भी रहेगी, और उतना ज़्यादा अगर धूप नहीं हुआ तो यार शांति से साइकिलिंग का जो ट्रिप है वो सक्सेसफुल भी हो जाएगा। मोनास्ट्री के अंदर जा रहे हैं बुद्ध भगवान का दर्शन करने के लिए, तो चलते हैं पहले एक बार बुद्ध भगवान का दर्शन करते हैं, और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे घर के लिए। चलो यार अभी तो घर जाना पड़ेगा, पर यार धूप ये धूप देख के मेरे को डर लग रहा है। तो यार निकल तो रहे पर इतनी ज़्यादा धूप देख के, तो एक्चुअली मुझे पीछे एक नदी है ठीक मोनास्ट्री के पीछे, तो वहाँ पे जाकर एकदम नहाने का मन कर रहा है, इतनी धूप है इतनी गर्मी है, पर यार अभी वो कर नहीं सकते, ऊपर से डेंगू वगैरह भी फैला हुआ है, तो थोड़ा चौकन्ने रहना पड़ता है। तो अभी चल रहे घर,
आशा करता हूँ कि आप लोगों को अभी तक व्लॉग पसंद आ रहा होगा। अभी तो बस संडे का शुरुआत ही है, पूरा दिन पड़ा हुआ है, देखते आगे और क्या हो सकता है। चलो यार, साइकिल तो सही सलामत है, बस संभाल के बैठना पड़ेगा। ओए बाप रे, बहुत गर्म हो गई थी, बहुत गर्म। घर वगैरह आए, नहावा लिया था मैं, फिर लंच किया। आज भयंकर लंच किया है मैंने, मतलब आज मैं मतलब नॉर्मल जितना राइस खाता हूँ उससे दो गुना ज़्यादा राइस खाया हूँ। एक तो संडे उसके लिए, और ऊपर से आज साइकिलिंग करके आया तो उसके लिए, तो यार भूख बहुत लगी थी। और अभी मतलब सोने जाने वाला था तो सोचा ब्लॉग में अपडेट दे देता, और अभी मैं फिलहाल आइसक्रीम खा रहा हूँ। सही था यार आज का सुबह का साइकिल का ट्रिप, सही था, शॉर्ट राइड था, अच्छा था। तो ऑलमोस्ट मैंने आज सुबह 30 किलोमीटर जितना कवर अप कर लिया, और 9:30 के अराउंड निकला था, और सुबह घर आते आते फिर 12 बज गई थी। तो आज का सुबह का साइकिल का ट्रिप शॉर्ट था, अच्छा था। बस एक ही चीज़ की दिक्कत हो गई थी यार, धूप। अगर धूप नहीं रहती तो यार ट्रिप तो और अच्छा जाता, मस्त जाता।